जोहार फ्रेंड्स, मैं रोमा मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, देखा था होय मैं आज तुहिन के देखा बो के थ्रेडिंग धागा कैसे चलाबा जेकर से तुहिन के स्किन नहीं काटी। तो दुई हिस्सा में करे पड़ेल, बीच से एक हिस्सा लेबा, एक हिस्सा के सामने से करबा और दूसरा हिस्सा के पीछे से जाए के करबा। जे मैंने बायाँ हाथ में रील के धारेन से मैंने पीछे जाए के करबा। तो मैं के दुई पार्ट में करके देखाबो जेकर से तुहिन के कोनो स्किन कटे का चांसेस नहीं रहे। तो सबसे पहले पाउडर के नहीं अच्छा से लगा लेबा और लगा कर बाद में देखा अच्छा से समेट के केस के ऊपर लेके पड़ी। और जैसे धागा तुहिन के मैं पहले का वीडियो में देखा हो धागा कैसे धारे ना, अगर तुहिन नहीं देखा तो एक बार देख लेबा। तो मैं दहिना हाथ में गांठ लगा हो चाड़े मैं एक सामने वट से आके करो थो, तो हल्का हाथ से करबा। अगर तुहिन नया हार होने से देखा नीचे अच्छा से धर के टाइम लेबा। ऐसा खींचल से का होल कि जेकर स्किन पतला रहेल नी, त्वचा पतला रहेल तो ऊ कटे का चांसेस बहुत कमती हो जाएल। तो देखा मैं उसके हल्का हल्का एखन निकलबू, एक से का होल कि अगर एक्स्ट्रा जो हेयर नहीं दिसेला लेकिन हमें जब धागा से रिमूव करें नी तो पूरा स्किन नहीं थोड़े साफ दिसेला। तो देखा मैं धीरे धीरे करके भी देखा वो तुहिन के कैसे निकले थे। और जब हमें धारी नहीं तो हमेशा धागा के टाइट तीनों हिस्सा के टाइट करवा, दोनों हाथ और मुँह का हिस्सा होने से का होल कि त्वचा नहीं कटेला। और धीरे धीरे करके निकलाबा। तो सबसे पहले हाथ धारे के लिए तो इनके मैं पहले वीडियो में देखा ही थे उनके सन धारबा। और जे मैंने नया हाल तो कभी भी कोशिश करबा कि डायरेक्ट आईब्रो के ना करबा। इसे सेकंड तो इनके लगा थे कि मैं करेक्ट सेक देबू होने से फोरहेड में आ के करबा। तो फोरहेड में करल से का हुए तो इनके पता चल जाए कि हाँ एखन तुहिन करेक्ट नियर हुई जाए। देखा मोर स्किन करेक्ट हुई गेला, कुपरे कर फोरहेड के क्लीन कर ले लो, सामने से देखो था हुई तो एक छो भी जगह नहीं कैठे। तो इसने ही धीरे धीरे करके जब तुहिन के कॉन्फिडेंस आ जाए कि तुहिन धागा चला सकबा बोले सबसे पहले फोरहेड में ही करबा, आईब्रो बाद में धरबा। तो एक साइड हो गया मैं दूसरा साइड कर करके देखा थो इसन करके हल्का हल्का हाथ से। और जहाँ गठ लगी तो नीट आनबा, अगर गठ लगी और टाइम देबा होने से समझ जबा कि धागा से एखन स्किन कटेक वाला है। तो देखा मैं हल्का से भी देखा थो तुहिन के कैसन करके निकला थो, धीरे से करके निकलाबा एक ही बार में नहीं। और तीनों धागा बराबर होए के चाहिए और तीनों धागा तीनों जे हमें इनका धारे कर जे टेक्निक है कैसे एकदम थोड़े टाइट हुई ताकि हमें इनकर उस धागा के बीच में त्वचा नहीं फंसी, इकर से कहा त्वचा नहीं कटी। तो आशा करूँ तो इनके समझ में आओ थे हो। और जे मन नया हाल से मैंने हाथ में प्रैक्टिस करबा करे कर बाद में ही फोरहेड में करबा, डायरेक्ट आईब्रो नहीं धारबा। डायरेक्ट आईब्रो धारो से तुहिन के आइडिया नहीं हुई कि त्वचा कटी कि नहीं। और बहुत समय ऐसा होल कि बहुत कोई आईब्रो करे देवे ना लेकिन अगर त्वचा कट जाए तो दोबारा नहीं देवे। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैं अपन स्टूडेंट के सिखाओ ना और एखन भी मैं क्लास ही लौत रहूँ तो तुहिन ले भी एक तो वीडियो बना दिलो ताकि तुहिन भी घरे बैठ के पार्लर का कोर्स करे सकबा। और कोनो भी ब्यूटी रिलेटेड सीखे के या जाने के मौके जरूर कमेंट करबा और लाइक जरूर कर देबा अगर मोर बताए का तरीका तो इनके अच्छा लगे होले और शेयर भी कर देबा। और देखा मैं कैसे निकला था एक हाँ देखा इसे अगर गांठ लग जाए नहीं होले धागा के अच्छा से टाइट करबा, देखला इकर से त्वचा नहीं काटो थे। तो इसने देखते रहा और सीखते रहा और मैं कोशिश कर रहा कि मैं सदरी में बना हूँ ताकि तुहिन के थोड़े कुन हेल्प हुई सीखे में। और कोनो भी तुहिन के पूछे के रही जाने के होले मुझे ज़रूर कमेंट करबा ताकि मैं भी तुहिन कर तुहिन ले थोड़े कुन कुछ मदद करे सकबू, घर बैठ के तुहिन सीखे सकबा। और देखा मोर पूरा क्लीन हुई गलत त्वचा। और इकर करे कर बाद कोनो भी एंटीसेप्टिक लोशन या जेल या फिर एलोवेरा जेल लगाए लेबा, इकर से का होल जलन महसूस नहीं हुई। तो मैं कर लो होले कटिंग तो कहीं भी नहीं कट लगी है, कहीं भी नहीं कटा है। और देखा था मैं कैसे लगा था इसने ही मैं फेशियल का स्टेप भी तो इनके देखाबू। और इसने घर बैठ के तो इन्हें अगर पार्लर का कोर्स करे चाहल तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब कर देबा और बेल आइकन के हिट कर देबा, बेल आइकन के हिट करके ऑल में क्लिक कर देबा ताकि मोर जब भी नया वीडियो आवे तो इन तक नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पूरा तक देखे के लिए थैंक यू सो मच, बाय। तो जल्दी मिलब हमें नेक्स्ट वीडियो में।